सबसे पहले तो आप सबको मैं सैल्यूट करना चाहता हूं, आप सबको सलाम कि आप निकल कर इस परेशानी के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए इकट्ठे हुए हैं आज। खास करके जो माताएं बहनें आज आई हुई हैं और उन लोगों ने जिस तरीके से संघर्ष किया है इस ठेके के खिलाफ, जो कुछ दोस्तों का संघर्ष रहा 72 दिनों तक लगातार जिन्होंने प्रदर्शन किया, धरना किया, और जिसके कारण सरकार को, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को मजबूर होकर कुछ ना कुछ करना पड़ा। वो कुछ ना कुछ दरअसल था तो धोखा ही, क्योंकि उससे जो निकला उससे समस्या परेशानी दूर नहीं हुई। पहले ठेका 3 दुकान पहले हुआ करता था, जब इस संघर्ष से ये लोग दबाव में आए, जब इनको मजबूर होना पड़ा कुछ करने के लिए, और जब अदालत से आपने ऑर्डर करवा लिया, तो उस अदालत के ऑर्डर के स्पिरिट का उल्लंघन करते हुए 3 दुकान आगे ये फिर से ठेका खोल दिया गया। इससे तो दोस्तों इनकी नीयत का बहुत बहुत साफ हमें पता चलता है कि नीयत क्या है इनकी। ज्यादा बातें तो आपके तरफ से आ गई कि यहां पे इस ठेके के कारण किस तरह की दिक्कतें हैं, किस तरह की परेशानी है, लेकिन मैं आपका थोड़ा समय लेकर जो बात करना चाहता हूं वो ये है कि जो यहां अजमेरी गेट के पास जो समस्या है, जो परेशानी है, वो सिर्फ यहां की परेशानी नहीं है, और इस परेशानी का लेना देना सिर्फ यहां का जो ठेका का मालिक है और सिर्फ यहां का जो विधायक हो और सिर्फ यहां के जो अधिकारी हो, सिर्फ वहां तक सीमित नहीं है। इसकी जड़ें बहुत आगे तक है और समस्या सिर्फ यहां की नहीं है, पूरे दिल्ली की है। नीति के स्तर पे, पॉलिसी के लेवल पे, उस सरकार से जुड़ी हुई है जिस सरकार पार्टी बनने से पहले और सरकार में आने से पहले भी हमेशा ये कहती रही कि शराब का ठेका कहीं पर भी जब भी खुलेगा तो उस इलाके के जो स्थानीय लोग होंगे, जो विशेषकर वहां की महिलाएं होंगी, उनसे पूछे बिना नहीं खुलेगा। ये कब कब बोला गया? आम आदमी पार्टी के बनने से पहले बोला गया, आम आदमी पार्टी बनी तब बोला गया। अरविंद केजरीवाल ने एक किताब लिख डाली, उस किताब में भी लिख दिया कि शराब का ठेका जब भी कहीं खुले तो वहां के स्थानीय लोगों की इजाजत से ही खुले, वरना नहीं खुलना चाहिए। एक बिल बनाया, स्वराज बिल, स्वराज बिल में यह प्रावधान डाला बिल्कुल ऐसा ही लिखकर। जब स्वराज बिल नहीं पास करने दिया गया 49 दिनों की सरकार में, तो मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, कह दिया कि इस बिल के लिए, जल लोकपाल और स्वराज बिल के लिए ऐसी कुर्सियां 100-100 बार कुर्बान हो। लोगों को लगा कि ये बड़े कमिटेड हैं इस विचार के प्रति, भले 49 दिन रहे, तभी उनको इतना बड़ा मैंडेट मिला, तभी 67 सीटें मिली। लोगों को लगा कि ये स्वराज के विचार के प्रति, और इनका जो ये कहना है कि निर्णय अंतिम व्यक्ति लेगा, निर्णय मोहल्ले के लोग लेंगे, निर्णय मोहल्ला सभा लेगी, RWA लेगी, इसके प्रति शायद इनमें कुछ प्रतिबद्धता है, लोगों को लगा, इसलिए इतनी बड़ी इनको मैंडेट मिली, बहुमत मिला, जनाधार बढ़ा। घोषणा पत्र में लिख के वादा किया गया, 2013 में किया गया, 2014 के लोकसभा में किया गया, 2015 के विधानसभा में भी किया गया। जितनी बार मुख्यमंत्री ने भाषण दिया उतनी बार ये बात बोला, लेकिन जब इस वादे पर इस पार्टी को हम लोग सत्ता में ले आए, फिर क्या हुआ? फिर अभी जैसे दोस्तों हम नशे की बात कर रहे हैं ना, एक तो नशा है जो ये शराब का नशा है, एक दूसरे तरह के नशे में ये पार्टी डूब गई। वो कौन सा नशा है? सत्ता का नशा है, और वो नशा है जो पार्टियों को, सरकारों को अंधा कर देता है, बहरा कर देता है,
लोगों की पीड़ा, लोगों की परेशानी के प्रति असंवेदनशील कर देता है, एक तरह का पर्दा डाल देता है। उन्हें लगता है कि लोग सभी उनके साथ हैं, विपक्ष कोई नहीं है, तो वो जो सोच रहे हैं वो सही सोच रहे हैं, लोगों की सुनने की जरूरत नहीं है अब, क्योंकि लोगों ने उनको पावर दे दिया है। तो ये जो अहंकार और सत्ता का नशा है, ये नशा तो शायद इस शराब के नशे से भी ज्यादा खतरनाक है। और दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले हमारे भाई केदार भाई ने एक बात रखी, कि हम लोग पूर्ण शराबबंदी की बात कर रहे हैं। मैं बस उस पर एक क्लैरिफिकेशन दे देना चाहता हूं कि हम पूर्ण शराबबंदी की बात नहीं कर रहे हैं, हम कंप्लीट प्रोहिबिशन की बात नहीं कर रहे हैं। जो बिहार में हुआ या जो गुजरात में हुआ, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, उसके अपने साइड इफेक्ट्स हैं, उस पर काफी समझने और सोचने की जरूरत है। हम जो बात कर रहे हैं बहुत ही लिमिटेड है, और हम वही बात कर रहे हैं जो बात ये पार्टी जो आज सरकार में है ये कहती आई है हमेशा से। हम बस ये कह रहे हैं कि आपने जो वादा किया, जिस वादे पर आप सरकार में आए, उसको पूरा करिए। और वो ये है कि आप मेरे घर के पास, आप मेरे मोहल्ले में, आप मेरे मस्जिद के पास, आप मेरे मंदिर के पास, आप मेरे गुरुद्वारे के पास, मेरे स्कूल के पास, अस्पताल के पास शराब का ठेका नहीं खोल सकते। बस इतनी सी बात है, और इतनी सी बात से हर कोई सहमत होगा दोस्तों। शराब पीने वाला भी सहमत होगा, शराब नहीं पीने वाला भी सहमत होगा। लोग इस पे बहस कर सकते हैं कि शराबबंदी करे या ना करे, मुझे नहीं लगता है कि एक भी ऐसा व्यक्ति होगा जो ये कहेगा कि इलाके में शराब का ठेका खोल दिया जाना चाहिए, स्थानीय लोगों से नहीं पूछना चाहिए, महिलाओं की तो सुननी ही नहीं चाहिए, जहां मन करे वहां खोल दो क्योंकि पैसे कमा ले। कभी भी आबकारी नीति, एक्साइज पॉलिसी, शराब की नीति इस बात से तय नहीं हो सकती कि सरकार को पैसे ज्यादा कमाने हैं। तो किया क्या इस पार्टी ने सरकार में आने के बाद? एक मुकेश भाई ने शुरू में बताया आपको, आरटीआई से जानकारी मिली, और जब आरटीआई से जानकारी मिली और जब ये घिर गए पूरी तरह से, तो इन्होंने पहला खेल शुरू किया। तिकड़मबाजी के तो मास्टर है ये। जिस दिन आरटीआई का जवाब आया कि इन्होंने 58 नए ठेके खोले हैं, उसी दिन, उसके अगले ही दिन, इनके पास जितने भी आरटीआई पेंडिंग पड़े हुए थे उसी सवाल पे उन सबको जवाब दे दिया तुरंत तुरंत इन्होंने, और सबको अलग अलग जवाब दे दिया। किसी को कह दिया कि 124 खुल गए, किसी को कह दिया 17 खुले, किसी को कह दिया 217 खुल गए। अब क्या है, सब अपना अपना फिगर लेके शोर करेंगे कि देखो केजरीवाल ने कितना खोल दिया, केजरीवाल ने कितना खोल दिया। और लोगों को क्या लगेगा? लोगों को लगेगा कि देखो सब केजरीवाल को परेशान कर रहे हैं। ये कर कौन रहा है? ये वो पार्टी कर रही है जो चला ही आरटीआई एक्टिविस्ट रहे हैं, इनका आधार ही आरटीआई के एक्टिविज्म से है। ये पार्टी बनी ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, जवाबदेही के नाम पे बनी। वो आरटीआई के साथ ऐसा मजाक कर रही है कि एक ही सवाल का अलग अलग जवाब, पांच अलग तरह के जवाब, सिर्फ इसलिए कि लोग हमें घेर ना पाए। जब वो भी इनका नहीं चला तो फिर ये बहस चलाने की कोशिश की कि स्वराज अभियान वाले नशाबंदी की बात कर रहे हैं, ताकि एक अलग तरह की बहस शुरू हो जाए। जब वो भी नहीं चला, जब पूरी तरह से घिर गए, तो मुख्यमंत्री ने घोषणा किया कि अब हम एक साल तक कोई भी शराब का ठेका दिल्ली में नहीं खोलेंगे। जब इनको मजबूर होना पड़ा, जब पूरी तरह से घिर गए हमारे मुहिम के सामने, तो ये घोषणा की। घोषणा क्या किया कि एक साल तक, समझ रहे हैं आप, एक साल तक क्या होना है? पंजाब का चुनाव। आप इतने कमिटेड हैं अगर कि सही में आपको शराब का ठेका स्थानीय लोगों की मर्जी के खिलाफ नहीं खोलना है, तो आप कहिए कि जब तक हम सरकार में रहेंगे तब तक नहीं खोलेंगे। एक साल में तो एमसीडी का चुनाव है, पंजाब का चुनाव है, गोवा गुजरात में भी है, जहां जहां आजकल वो भ्रमण कर रहे हैं दिल्ली छोड़कर, उन सभी जगहों पे चुनाव है, तो एक साल नहीं करेंगे। दूसरी बात क्या बोल दी कि जहां जहां ठेका खुला है वहां वहां मोहल्ला सभा ठेकों को हटा सकती है। दोस्तों, इससे बड़ा छलावा किसी के साथ कुछ नहीं है। हम सबको यह समझने की जरूरत है, हम सबको, बहुत ध्यान देके सुनिए और समझिए इसको। कोई भी यूनिट जो किसी भी तरह का निर्णय ले सकती है, प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, वो पंचायत हो, ब्लॉक हो, जिला हो, चाहे मोहल्ला सभा हो, कुछ भी हो, उसको कहीं ना कहीं से अधिकार मिलता है ना, किसी ना किसी कानून से, संविधान से। मोहल्ला सभा को अधिकार मिलता स्वराज बिल से, स्वराज